नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ चैनल के लोगों के बारे में जो कि कार्टून नेटवर्क चैनल। पिछले दो वीडियो में दो दो चैनल के लोगों के बारे में बताया हूँ और इसमें है कार्टून नेटवर्क। चलिए इसको बना के दिखाते हैं किस तरह बना सकते हैं। अभी थोड़ा सीखने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर पेज का कलर मैंने ग्रीन कर दिया है पहले से, क्योंकि यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड में बनाना है। तो चलिए इसमें बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, एक पहले सी बनाएंगे, सी वाला, और ये एम एस ऑफिस का जो वर्ज़न है वो है 2019 2019 वर्जन में, क्योंकि ये जो एडिट पॉइंट है इसी के लिए ही, इस 7 में ये काम नहीं करता है, उसके ऊपर वर्जन में काम करता है, इसलिए 2019 में ही बहुत आसानी से बन जाता है। 7 में बना सकते हैं, ये एडिट पॉइंट है, इसी से खिसका खिसका कर जैसा भी शेप आप बनाना चाहे वैसे ही आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जब दो आ जाएगा और उसको थोड़ा लंबा करके उसको सेंड टू बैक कर देते हैं। जैसे इसकी जो 3D शेडो जो है इसकी, उसे बनाने के लिए ये वाला लिया है, बिल्कुल कोना कोना मिलाना है। पहले इसको बैक भेज देते हैं और यहाँ से कोना और इधर से भी थोड़ा सा, यस। अब एडिट पॉइंट का काम है, इसको पकड़ के इधर खींचो और फिर नीचे वाले को पकड़ के मिला दो, ये पकड़ो। ये फ़ायदा है ऑफिस 10 13 16 19 में, ठीक है। अब इसके कलर, चलो इसकी मैं नई कलर चूज़ करते हैं और इसकी आउटलाइन हटा देंगे। इसका भी कलर जो है कि ब्लैक और आउटलाइन इसका नो आउटलाइन, ओके। अब बनाएंगे सी, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सी के लिए आपको एक शेप लेना है जो गोल है, और उसको मैं बता देता हूँ किस तरह से बनेगा, ठीक है। ठीक लग रहा है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो चलेगा, ठीक है। चलिए सी बनाते हैं। शेप में से आपको लेना है ये वाला, जो कि नीचे आपको मिलेगा बेसिक शेप के अंदर, ये सर्कल में दो दो सर्कल इकट्ठे बनता है। अब इसको जितना बड़ा करना चाहे, बीच वाले को पकड़ के ये हिस्सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेट होने के बाद यहाँ से आप इसकी कलर जो कि वाइट लेंगे, न्यू आउटलाइन के साथ में थोड़ा सा और देखते हैं, यस, ठीक है, ठीक है। अब इसको सी बनाने के लिए जो कट करना है बीच में से, वो देखिए किस तरह करेंगे। अभी हम यहाँ से एक शेप लेंगे जो कि ये रहा, इसको ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसको अभी घुमा के चेक करेंगे ऐसे, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कलर कर देंगे, फिर हो जाएगा। यहाँ से ब्लैक चूज़ किया और आउटलाइन यहाँ से हटा दिया, ठीक है। सर थोड़ा सा खिसका के देखते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट करना पड़ेगा, यस, अब ठीक है, ऐसे चलेगा, ओके। अब इसको ग्रुपिंग करना है, जैसे इमेज बन गया इसको ग्रुप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हटेगा नहीं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके ग्रुप में क्लिक कर दीजिए। ग्रुप ग्रुप करने से एक सिंगल इमेज बनेगा। अब अलग अलग इमेज को सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में ये फैसिलिटी है, 7 में नहीं है। एक बार ग्रुप बनने के बाद फिर अनग्रुप करना पड़ता है, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है अनग्रुप करने की, फिर से कर सकते हैं। चलिए एन बनाते हैं, तो ऐसे शेप ले लिया। चलिए इसको हम थोड़ा वीडियो को रनिंग कर देते हैं। अब चलिए एन बनाते हैं, और इसके लिए एक शेप लेंगे और शेप को देखिए ध्यान से देखना, इस तरह खिसकाएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा,
12-13 मिनट का। तो चलिए इसको अब एडिट पॉइंट पे जा करके इसको हम एक शेप देंगे, उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करके एन बना देंगे, कलर बाद में कर देंगे तो भी चलेगा। तो एडिट पॉइंट लिया और इसकी जो हिस्सा जो है इस तरह करना है, और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से भी इसको खिसका के इस तरह करना है, थोड़ा नज़दीक कर देंगे बॉर्डर के नज़दीक, ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा और खिसकाएंगे। चलिए इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इसकी कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसको सेट करेंगे, उसी तरह से लेफ्ट में भी सेट करेंगे। तो कलर तक हम वीडियो को फिर से तेज कर देते हैं। तो एन बन चुका है, अब इसकी हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसकी 3D वाला करेंगे, 3D के लिए जैसे सी का किया है, पहले इस ऑब्जेक्ट को करते हैं ग्रुपिंग, राइट क्लिक, ग्रुप ग्रुप करने के बाद एक सिंगल इमेज बन गया। अब इसकी जो है कि 3D लेंगे, एन की जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का उसका 3D लेंगे, एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा यहाँ से, और रेक्टेंगल उसी तरह से लेंगे और उसके पीछे जाके करेंगे। तो वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड में है, ऐसे ऐसे करके फटाफट करके इसके कलर भी कर देते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ तक चलेगा, ओके। अब इसका एक बैकग्राउंड लेंगे, उसके बाद हम कार्टून नेटवर्क को लिखेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए हमें एक शेप लेना है जिसको फिर सेंड टू बैक करेंगे। चलिए लेते हैं, हमें इंसर्ट पे जाना है, जाके एक शेप लेना है जिसके बैकग्राउंड में काम करें, ठीक है, वैसे इतना भी सही है, इसके बाद कार्टून नेटवर्क लिख दो बस चलेगा। लेकिन हम बैकग्राउंड लेके बैकग्राउंड के कलर वगैरह इसको सेंड टू बैक करने से ही पीछे चला जाता है, और इसको सही सेटिंग कर लीजिए, और नीचे की थोड़ा जगह रखिए कार्टून नेटवर्क लिखने के लिए, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे ताकि ये जगह थोड़ा कम हो, हाँ बस। ठीक है, इसकी कलर देखते हैं, कुछ कलर तो ब्लू, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिखना है कार्टून नेटवर्क, तो चलिए लिखते हैं, ऑडार्ट से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कलर को जो है ब्लैक कर देते हैं और इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है, कि फॉन्ट में देखते हैं चेंज करके, लगता है मैंने क्लियर नेटवर्क सेलेक्ट किया इसलिए नेटवर्क का ही होगा, हाँ ऐसी गलती हो जाएगी। तो सिंगल देखिए, तो हमको नेटवर्क कार्टून दोनों को सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट करने के बाद अरे दोनों को करना है भैया एक साथ पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही ये हो पाएगा। कंट्रोल डी जब प्रेस करते थे फॉन्ट खुलता है, और यहाँ पर देखिए ले लेते इसको, ओके कर देते हैं, थोड़ा इसकी साइज़ को छोटा कर दिया, इस सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कार्टून नेटवर्क की जो टीवी चैनल के लोगो इस तरह आप बना सकते हैं।